पैंतालीस चालीस साल की उम्र थी, उन्होंने बोला गुड़िया मेरे पास बैठ जा, उनकी दाढ़ी फाड़ी थी तो मैं जाकर उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वो मेरे से छेड़छाड़ करने लगे। ट्रेन में पिटाई का मामला पूरी तरीके से पलट गया है। आरोप लगाने वाले कारोबारी निकला छेड़खानी वाला। जी हाँ, छेड़छाड़ का उस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पद्मावत एक्सप्रेस में 12 जनवरी को कारोबारी की पिटाई के मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। प्रकरण की अहम कड़ी माने जा रही छेड़खानी का शिकार शाहजहांपुर की युवती अचानक सामने आ गई। उसने मारपीट का आरोप लगाते हुए कारोबारी आसिम हुसैन के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद जीआरपी ने व्यापारी को गिरफ्तार करके रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कार्रवाई से पहले पीड़िता के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया गया। बीते गुरुवार को पद्मावत के जनरल कोच में यह घटना सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में सुर्खियां बन रही थी। दरअसल ये जो आरोपी है, इसको कुछ हिंदुओं ने पीट दिया। हिंदुओं के पीटने का वीडियो तो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, लेकिन हिंदुओं ने पीटा क्यों, ये अहम वजह जो है वो सामने निकल के नहीं आए। क्योंकि पीटने के बाद इसने ये आरोप लगा दिया कि हमसे जय श्री राम के नारे बुलवाने जाने लगे, हिंदुओं ने हमें जमकर पीटा और जय श्री राम के नारे लगाए और हम दिल्ली से मुरादाबाद व्यापारी सिलसिले में आ रहे थे, जबकि पूरी तरीके से गलत था। ये बंदा जो है, ये जिहादी जो है, वो बैठ करके ये मौलाना ये भी कहा था कि हमारी दाढ़ी भी खींची गई थी, तो वीडियो ये इस तरीके से दिखा करके गलत व्याख्यान कर रहा था। अब इस पूरे मामले में जो पुलिस ने जाँच किया और फिर जब ये देखा कि ये व्यक्ति जानबूझ कर हिंदुओं को ही फंसा रहा था, तो वो लड़की जो है वो अब सामने आ गई है। उस लड़की ने कहा कि हिंदुओं ने उसे इसलिए पीटा क्योंकि ये हमारे साथ बदतमीजी और हमारे साथ छेड़खानी कर रहा था रात में। तो इस तरीके से ये छेड़खानी करने को लेकर अब उस लड़की के थ्योरी के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार करते हुए जो है वो कोर्ट में इसका लड़की का बयान दर्ज कराकर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इस कथित व्यापारी को जेल भेज दिया गया। शाहजहांपुर निवासी 20 वर्षीय युवती ने मुरादाबाद जीआरपी में कारोबारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक 12 जनवरी को अपने भाई के साथ गाजियाबाद से चढ़ी थी। जनरल बोगी में भीड़ होने के कारण उसका भाई गेट पर ही रुक गया, जबकि वो डिब्बे में चली गई। एक सीट पर बैठे मुल्ला जी ने पहले तो बेटी कहकर अपने पास बिठा लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही अश्लील हरकतें करने लगे। वो डर के मारे रोने लगी तो बोगी में मौजूद दो लड़कों ने इस पर आपत्ति की और उनकी पिटाई कर दी। घटना हापुड़ से मुरादाबाद के बीच घटी। इन सब से घबरा कर वो अगले स्टेशन पर दूसरे डिब्बे में चली गई। उधर मंगलवार को युवती की रिपोर्ट पे मुरादाबाद निवासी कारोबारी आसिम हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी निरीक्षक सुधीर कुमार ने पीड़िता को देर शाम कोर्ट में पेश किया, जहां धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज हुए और उस जिहादी छेड़छाड़ी के आरोप मौलाना को जो है वो न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो ये पूरा मामला है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से मामले को पलट करके इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई और कहा गया कि मेरी दाढ़ी खींचेगी, मुझे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, लेकिन क्यों पीटा गया ये इसने नहीं बताया था, ये उस लड़की ने बताया। अब इसकी गिरफ्तारी हो गई। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। उत्तर प्रदेश योगी राज में गलत तरीके से कार्य करके आप बच नहीं सकते। जय हिंद। 45-40 साल की उम्र थी, उन्होंने बोला गुड़िया मेरे पास बैठ जा, उनकी दाढ़ी फाड़ी थी तो मैं जाकर उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वो मेरे से छेड़छाड़ करने लगे तो मैं कुछ ऐसे रोने से भी तो मेरे को बता नहीं, मैं डर गई थी काफी, तो मैंने बता नहीं पाया। जो लोग ऊपर बैठे हुए थे उनने देखा तो मारपीट शुरू कर दी, ना तो उससे कोई नारे फारे लगवाए ना कुछ भी। और भाई को मेरे भाई फिर भाई को पता चला, फिर भाई मेरे को दूसरे डब्बे में ले गए।